और गाइस आपको बाहर दिखाते हैं, अगले बार यहाँ पे पुष्पा राज वाला गणेश जी बनाया गया था, यहाँ पे भी इस बार कुछ बनाया गया जो अलग तरीके से, यहाँ पे माता जी की तीन, और गाइस देख सकते हैं क्या शानदार माता जी की प्रतिमा को यहाँ बनाया गया है, क्योंकि आज शाम को ही यहाँ पे पंडाल जो माता जी का पट है वो खोल दिया जाएगा प्रथम दिन ही। सबका वेलकम हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइज आज डेट है आपका 15 अक्टूबर और मैं फिलहाल आ चुका हूँ अमली बाबा जगदम्बे पंडाल के पास जो छितौनी में पड़ता है। और गाइज आज रसना में 3-4 पंडाल का माता रानी का प्रतिमा का मुख खुलने वाला है, जो आज प्रथम दिन ही यानी आज नवरात्रि स्टार्ट हुआ, आज के ही दिन माता जी का पट यहाँ पे खुलने जा रहा है। बाकी जो 2-3-4-5 पंडाल और एक्स्ट्रा पंडाल होगा उसका सप्तमी को यहाँ पे माता जी का पट खुलेगा। तो इस वीडियो में आपको अपडेट देंगे किस किस पंडाल का आज ही माता जी का पट खुल जाएगा और किस किस का सप्तमी को खुलेगा, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा गाइस, ये पंडाल का अपडेट वीडियो। तो चलते हैं गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो भी लोग चैनल पर हमें प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, बगल में आईडी दिया गया है, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हमारे चैनल पे आपको जस्ट मिल जाएगा। तो देर ना करते हैं, चलते हैं गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं छितौनी में और यहाँ पे देखिए जो केदारनाथ पंडाल बनने वाला है, केदारनाथ थीम पे पंडाल। अभी आज आपका है 15 अक्टूबर और यहाँ पे अभी काम चल रहा है, पर आज ही यहाँ पे माता जी का पट जो है खोल दिया जाएगा, जो आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। और आज के ही दिन यहाँ पे देखिए अंदर से तो पंडाल लमसम रेडी कर दिया गया है कुछ कुछ, और कुछ कुछ जो काम है अभी बाकी है, और यहाँ पे माता जी का आज शाम को पट यहाँ पे खोल दिया जाएगा, जो आपको देख सकते हैं वीडियो में। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अभी पूजा पाठ का जो तैयारी यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं, क्योंकि आज शाम को ही यहाँ पे पंडाल जो माता जी का पट है वो खोल दिया जाएगा प्रथम दिन ही। और असना में ऐसे 2-3 जो प्रतिमा है जिनका आज ही पट खोल दिया जाएगा। ये रहा अमली बाबा पंडाल का अपडेट, और देख रहे हैं अभी काम जो है बाहर से बाकी है, आपको बता ही चुके हैं वीडियो में केदारनाथ थीम पे ये पंडाल बनने वाला है और माता जी को आपको दिखाई दिए वीडियो में। और चलेंगे अब नेक्स्ट पंडाल में, अभी जो बाहर से भी आपको दिखाया कि अभी जो काम है प्रोसेस में है, पर आज ही पट खोल दिया जाएगा, बाकी काम यहाँ पे तैयार किया जाएगा, देख लीजिए एक बार यहाँ से। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट पंडाल में, चलते हैं गाइस अब नेक्स्ट पंडाल में। यहाँ का अपडेट आप देख लिया अमली बाबा पंडाल का जो छितौनी में पड़ता है, यहाँ से एक और आगे पंडाल है उसका भी अपडेट दिखाते हैं, क्योंकि कल 2-4 कमेंट आया था, इधर ले रहा हूँ उस वाले पंडाल पर, इस वाले पंडाल पर लेना, कल वो भी कमेंट आया था कि छितौनी में 2 पंडाल है भैया, उसका भी अपडेट जरूर दिखाइए। अभी फिलहाल चलते हैं वहाँ पर, और वहाँ पे चल के आपको अपडेट दिखाते हैं बाकी। गाइस अभी हम आ चुके हैं छितौनी में और यहाँ का पंडाल लोग देख सकते हैं, 2-3 लोग भैया से हम पूछे हैं पंडाल में, तो कोई बता ही नहीं पा रहा है कि किस थीम पे इसको बनाया जा रहा है, और देखिए 3 लेयर में तो इसको उठाया जा रहा है कुछ अलग डिजाइन देने के लिए। और ये छितौनी में पंडाल पड़ता है, बाकी जो लोग यहाँ के होंगे जानते ही होंगे। और 2-3 लोग आज यहाँ पे भी आज माता जी का पट जो है खोल दिया जाएगा प्रथम दिन ही, बाकी अंदर से चल के दिखाते हैं। देखिए इधर लकड़ी से लगा के कुछ ऐसा डिजाइन तैयार किया गया है, पर इसका थीम नहीं पता है किस थीम पे ये बनाया जाएगा, बाकी माता जी को आपको दिखाते हैं। अब इसको तैयार किया जाएगा, देखिए पूरा काम किया जा रहा है यहाँ पे, और गाइस देख सकते हैं क्या शानदार माता जी की प्रतिमा को यहाँ बनाया गया है, बगल बगल में यहाँ पे कमल का फूल बनाया गया है, और आज ही माता जी का पट यहाँ पे खोला जाएगा जो ये छितौनी में पंडाल पड़ता है, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस देख सकते हैं कुछ खास अपडेट यहाँ का यही है, और आपको बताइए देखिए पूजा का तैयारी भी चल रहा है, और आज ही माता जी की प्रतिमा को यहाँ पे मुख जो है खोल दिया जाएगा, बाकी चलते हैं नेक्स्ट पंडाल में और वहाँ का जो अपडेट होता है आपको दिखाते हैं, बाकी देख सकते हैं इधर पूरा काम किया जा रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पे रसना स्टेशन के पास 2 पंडाल रखा जाता है, और यहाँ पे 1 पंडाल है इसका भी अभी तैयारी किया जा रहा है, जो देखिए एंगल वगैरह लगा के ये रहा, कुछ खास नहीं अभी कल ही से इसको तैयार किया जा रहा है। बाकी एक यहाँ पे रहता है सिंह वाहिनी वाला, इसका भी देख सकते हैं कुछ पंडाल का ऐसा अपडेट है, कुछ खास नहीं इसलिए हम रूप को आपको ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं, बाकी देखिए ये रहा। आज नहीं खुलेगा क्या करो? हाँ, और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे पूरे माता रानी को, इससे पहले भी आपको दिखाए थे पर पेंटिंग नहीं हुआ था, आज माता रानी को पूरा पेंटिंग करके पूरा रेडी कर दिया गया, पर आधा ही दिखा सकते हैं क्योंकि आगे पर्दा लगा हुआ है, और बाकी आप देख सकते हैं। और इधर पूरे पंडाल को तैयार किया जा रहा है,
लमसम यहाँ पे 90% पूरा रेडी भी हो चुका है, लाइट वगैरह लगा के। अभी गाना बज रहा था इसलिए हम नहीं बोल पा रहे थे। देखिए गाना फिर से स्टार्ट हो रहा है। ये पुरानी समिति का गाइज अपडेट था और बहुत अच्छा पंडाल बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम भी होता है कुछ थोड़ा बहुत, जो देख सकते हैं आप लोग। और गाइज आपको बाहर दिखाते हैं, अगले बार यहाँ पे पुष्पा राज वाला गणेश जी बनाया गया था, यहाँ पे भी इस बार कुछ बनाया गया जो अलग तरीके से। यहाँ पे माता जी की तीन मतलब फेस को रखा गया, जो आधा फेस देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा दूर से दिखाते हैं आपको। बाकी चलते हैं हम नेक्स्ट पंडाल पे, जो अपडेट होगा आपको दिखाते हैं। बाकी यहाँ का पुरानी समिति का आप देख ही चुके हैं, पर्दा लगा हुआ है और आधा आपको साइड से हम दिखा ही चुके हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट पंडाल में गाइस। हम फाइनली आ चुके हैं अंजनी दास चबूतरा पंडाल के पास और यहाँ का आप अपडेट कुछ देख सकते हैं। एंगल से पूरा पंडाल को खड़ा किया जा रहा है, काफ़ी ऊंचा पंडाल बनाया जा रहा है पर यहाँ का कोई थीम पता नहीं किस थीम पे बनाया जाएगा। बाकी माता जी की प्रतिमा को भी यहाँ पे लगा दिया गया है, जब इस पर अभी वाइट पेंट किया गया, अभी पेंटिंग बाकी है जो पूरा तरीका से। और देख सकते हैं आज नवमी का पहला दिन है, कहीं कहीं पट भी खुल गया, दो तीन पंडाल जो आप लोग देख चुके हैं। और यहाँ पर माता जी का भी पट नहीं खुला है, यहाँ पर ऐसे भी पेंटिंग के लिए रोका गया है। यहाँ पे सप्तमी को पंडाल ये पट खुलेगा माता जी का। बाकी कुछ खास अपडेट है ये यहाँ का देख सकते हैं, और एंगल वगैरह लगा के भी रोका गया है क्योंकि अभी तीन चार दिन और टाइम है, बाकी ये रेडी हो जाएगा। और चलते हैं फिलहाल अब आगे नेक्स्ट पंडाल पे, जो भी अपडेट होगा आपको देते हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइज हम आ चुके हैं गांधी मार्ग में और ये माता रानी का जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये गांधी मार्ग की प्रतिमा है माता जी की, और यहाँ पे आज ही प्रथम दिन ही पट खोल दिया गया है जो आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और गाइज बस आज इनका माता जी का पट खोला गया है, पर अभी पंडाल का यहाँ पे काम बाकी है, जो डेकोरेशन और लाइट का काम है वो अभी बाकी है, जो अभी एक दो दिन में इसका बुकिंग है।